गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सब लोग? बढ़िया है सर। बढ़िया। तो आज अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने बताया था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बोर्ड भी विजिबल है ना? अरे बोर्ड विजिबल है ना सबको? यस सर। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मेनली अपन तीन इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। दो तो माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। एंड फर्स्ट माइक्रोस्कोप इज सिंपल माइक्रोस्कोप, देन सेकंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वैसे तो एक कॉमन यूज यही होता है, इनको बनाने का पर्पस यही होता है कि विजन जो है क्लियर हो, अपने को अच्छे से कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे, और किसी का विजन अगर बहुत ज्यादा कमजोर है, अपने आई के लेंसेस अगर बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट अपने को थोड़ा सा मैग्नीफाई भी दिखे, मैग्नीफाइड भी दिखे। और एक रीजन, जैसे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो यूज करते हैं वो लेबोरेटरी वगैरह में यूज करते हैं, बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। जैसे अपने पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल है या कोई भी सेल है, सेल की साइज अपने को पता है कि 10^-5 मिलीमीटर टाइप इस रेंज की होती है, बहुत छोटी होती है, मतलब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कहना उसके लिए सही नहीं रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी छोटी होती है। तो उसको अपन ऐसे नेकेड आई से देख नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ऐसे बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो फर्स्ट अपन पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को देखते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है? इट मैग्निफाइज इट। इसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं मेनली। इट मैग्निफाइज द ऑब्जेक्ट, इट मैग्निफाइज द इमेज भी लेता हूं, इट मैग्निफाइज द इमेज, क्योंकि अपने को दिखता तो इमेज ही है ना यार। जैसे अपन किसी भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो अपने को एक्चुअली ऑब्जेक्ट थोड़ी दिखता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के इमेज को ये क्या करेगा? मैग्निफाई करेगा, तो ऑब्जेक्ट अपने को बड़ा दिखाई देगा। ध्यान रखना, अपन हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज को ही देखते हैं, हमेशा अपन ऑब्जेक्ट की इमेज को ही देखते हैं, अगर अपन किसी मिरर या लेंस के थ्रू देखते हैं। ऑब्जेक्ट से रेस उस मिरर या, और अगर अपन थोड़ा सा ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो अपन हमेशा नेकेड आई से देखते हैं तो भी इमेज ही देखते हैं, नेकेड आई से देखते हैं तो भी इमेज ही देखते हैं।
कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने का रीजन क्या होता है? अपनी आईज के अंदर लेंस होता है, अपने आईज के अंदर लेंस होता है, तो रेज जो है अपने आईज पे इंसिडेंट होती है, इमेज बनाती है और वो इमेज अपने को दिखता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट मैग्निफाइजेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड मोटिव जो अपना होता है, सेकेंड मोटिव इज इट इंक्रीजेस subtended angle so that we can see image clearly। किसी भी इमेज को क्लियरली देखने के लिए सबटेंडेड एंगल जो है वो बड़ा होना चाहिए, और ये माइक्रोस्कोप सबटेंडेड एंगल को बड़ा कर देता है। अब क्वेश्चन आता है, सबटेंडेड एंगल होता क्या है? अरे विजिबल है ना सबको? एम आई ऑडिबल? यस सर। स्क्रीन के बाहर जा रहा है। क्या हुआ? राइट साइड का स्क्रीन के बाहर जा रहा है। ये लो, ये अभी ठीक है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो देखो सबटेंडेड एंगल क्या होता है इसकी बात करते हैं। सबटेंडेड एंगल क्या होता है? ये होता है जो ऑब्जेक्ट जो है अपनी इमेज पे, अपनी आईज पे जो एंगल बनाता है या उसकी रेज जो एंगल बनाती है, उसी को अपन सबटेंडेड एंगल बोलते हैं। जैसे ये अपनी आईज है, यहाँ पे ये लो आईज बना दी, ये किसी ने यहाँ पे आंखें गाड़ रखी है, ये किसी की आईज है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जितना इन आईज के साथ एंगल बनाएगा, इस एंगल को ही अपन क्या बोलते हैं? सबटेंडेड एंगल। इस एंगल को ही अपन क्या बोलते हैं? सबटेंडेड एंगल। अब ये आराम से तुम समझ सकते हो कि ये एंगल जितना ज्यादा होगा ये एंगल, अपन इस इमेज को या इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि एंगल बड़ा करने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आ जाओ। ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आओगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, तो इमेज अपने को अच्छे से दिखाई देगा। सही बात है, इसीलिए तो इमेज पास में से, ऑब्जेक्ट जो पास में लेके आते हैं तो अपने को अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि एंगल ऑफ सबटेंडेड जितना ज्यादा होगा अपने को चीजें क्लियरली दिखेगी। लेकिन तुम कुछ सोचो, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मैं नजदीक लेके आ सकता हूं, उसके बाद और नजदीक लाने से अपने को ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है, ब्लर हो जाएगा। क्या हुआ? ब्लर हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। उसके तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो क्लियरली विजिबल क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, सबसे नजदीक किस डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकता है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए 25 सेंटीमीटर होगी। यानी ऑब्जेक्ट जो है, अगर अपन नजदीक लाते, अगर अपन डिस्टेंस जो है आईज से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कर दें, दैट इज कॉल्ड एज, अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज एच है, तो ये अगर 20 d जो है वो 25 सेंटीमीटर कर दें, तो एंगल तो बड़ा होगा, नो डाउट एंगल तो बड़ा होगा। अब इससे 25 सेंटीमीटर से कम रेंज करने से ये ऑब्जेक्ट अपने को अच्छे से दिखाई नहीं देता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आईज इतना ही क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकता है। तो मैं इसको d को क्या लिखता हूं? Clearly, for normal human being, for normal
ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, डी मिनिमम 25 सेंटीमीटर होता है फॉर क्लियर विजन, फॉर क्लियर विजन, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए डी 25 सेंटीमीटर होता है। इससे नजदीक लेके आओगे तो एंगल ऑफ सबटेंडेड तो बड़ा होगा नो डाउट, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट अपने को क्लियरली नहीं दिखेगा, तो फिर नजदीक लाने का फायदा नहीं। तो अब देखो अपने पास दो प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रॉब्लम को अपन इस सिंपल माइक्रोस्कोप से रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम कौन कौन सी है, एक प्रॉब्लम तो है कि 25 सेंटीमीटर से नजदीक नहीं ला सकती, और नजदीक नहीं ला सकते तो ऑब्जेक्ट अपने को क्लियरली नहीं दिखता है। दूसरा 25 से इतना नजदीक लेके आ जाओगे तो ऑब्जेक्ट की अपने को अच्छे से, बड़ा ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखेगा नहीं, बड़ा ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखेगा नहीं क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला जाएगा। यानी अपना मोटिव यह है कि ऐसा कोई काम हो जाए, ऐसा कोई जुगाड़ हो जाए कि ये जो इमेज, ये जो हाइट है एच या इसका जो इमेज है वो बड़ा भी दिखने लग जाए और एंगल ऑफ सबटेंडेड भी बड़ा हो जाए, एंगल भी बड़ा हो जाए और साइज भी बड़ी हो जाए। तो जनरली जनरली अगर अपन माइक्रोस्कोप यूज नहीं करें तो दोनों में से तुम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, एट ए टाइम दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे तो हाइट अगर बड़ी होगी, बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो दूर लेके जाओगे तो दिक्कत यह होगी, ऑब्जेक्ट पूरा एक साथ तो देख सकते हो लेकिन एंगल ऑफ सबटेंडेड कम हो जाएगा, यानी अच्छे से दिखेगा नहीं। नजदीक लेके आओगे तो एंगल ऑफ सबटेंडेड तो जो है वो ज्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ सबटेंडेड तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकता है पूरा दिखाई नहीं दे, और 25 से कम पे तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इसी के पर्पस के अपन क्या यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अरे बोलो। यस सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ एक बार और बता देता हूँ। अच्छा एक बार एक चीज पहले ही बता देता हूँ, ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये अपने एडवांस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया एडवांस सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है, ये तुम्हारे ओनली फॉर बोर्ड या फिर जेई मेंस में पूछा जाता है, या तो बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो बोर्ड में पूछा जाता है या फिर जेई मेंस में पूछा जाता है, एडवांस में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो जेई मेंस और बोर्ड के एग्जाम होने के बाद इस इन इंस्ट्रूमेंट को वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब वापस से बताता हूं मैं कि एंगल ऑफ सबटेंडेड होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी आईज पे कितना एंगल इंसिडेंट करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये यहां पे आईज है, तो ये जो एंगल थीटा है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ सबटेंडेड, एंगल ऑफ सबटेंडेड। अब जैसे ऑब्वियसली बात है, जैसे तुम इसको समझ सकते हो, जैसे यहां से इस राइट एंगल ट्रायंगल से मेरे को बताओ कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एच बाई डी, एच बाई डी, एच बाई डी। तो ऑब्वियसली बात है अगर डी की वैल्यू मैं कम करूंगा, डी की वैल्यू एस तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कॉन्स्टेंट है ना यार, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कॉन्स्टेंट है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच इज व्हाट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वी कैन नॉट चेंज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट है, अब अपने को तुम्हें पता है कि थीटा अगर कम ज्यादा करना है तो डी अगर कम करोगे तो थीटा ज्यादा तो होगा डेफिनेटली, जनरली ये थीटा स्मॉल होता है तो इस थीटा को ऑलमोस्ट tan थीटा को मैं थीटा भी लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू h / d भी लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू h / d भी लिख सकता हूं। तो अगर तुम्हें थीटा इंक्रीज करना है तो तुम्हें d कम करना पड़ेगा, थीटा इंक्रीज करना है तो d कम करना पड़ेगा, तो
तो डी मैंने कम करता गया लेकिन एक पर्टिकुलर डी के बाद यानी जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये डी 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर से और पास पहले क्या जाओगे उस केस में अपने को ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक ऑब्जेक्ट को रख सकते हो फॉर क्लियर विजन, इसके बाद अपने को अच्छे से नहीं दिखेगा। तो नजदीक लेके आ गया और इस केस में जब मिनिमम डिस्टेंस पे होता है, इस केस में जो एंगल ऑफ सबटेंडेड होता है इसको अपन थीटा नॉट बोलते हैं। तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा h अपॉन 25 सेंटीमीटर, h अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो मैक्सिमम एंगल है जहां पे तुम ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, इससे कम और नहीं कर सकते। तो ये दो बातें हो गई कि एंगल ऑफ सबटेंडेड क्या हो जाता है और मैक्सिमम एंगल ऑफ सबटेंडेड क्या हो जाता है। ये तो नॉर्मल केसेस की बात हुई। अब माइक्रोस्कोपिक स्कोप यूज करने का पर्पस क्या होता है, अपने को क्या करना होता है कि इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को अपने को बड़ी साइज में देखना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट अगर बहुत कम है, तो अपने को इमेज बड़ा भी देखना है, और ऑब्जेक्ट को दूर भी नहीं लेके जाना है, इमेज बड़ा भी देखना है। अपना मोटिव ये होता है ऑब्जेक्ट को दूर भी नहीं लेके जाना है, मतलब एंगल ऑफ सबटेंडेड को कम भी नहीं करना है, इसको इतना ही रखना है। और दूसरा मोटिव होता है कि इमेज बड़ी भी दिखनी चाहिए फॉर क्लियर विजन, और फॉर दैट पर्पस वी यूज माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे यूज करते हैं इसमें वो डाउट नहीं हो तो फिर अपन सिंपल माइक्रोस्कोप का सेटअप देखते हैं। इसमें वो डाउट है, नो सर? तो सिंपल सी बात है, अपना पर्पस क्या है माइक्रोस्कोप यूज करने का कि ऑब्जेक्ट को दूर भी नहीं लेके जाना है और इमेज बड़ी भी दिखनी चाहिए, तो ऐसे तो रखने से काम नहीं चलेगा, तो फिर अपन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, एनी डाउट प्लीज? सर हमने यहाँ पे सीधे अज्यूम कर लिया कि थीटा स्मॉल एंगल है, क्या हुआ आपने टेन थीटा को थीटा लिखा, थीटा लिया ना, तो थीटा स्मॉल एंगल लिया होगा, तो हमने अज्यूम कर लिया, तो फिर डायरेक्ट कोई चेंज नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या चीज कोई अज्यूम कर लेने से कि थीटा स्मॉल है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ? नहीं नहीं, एक्चुअली स्मॉल अज्यूम नहीं किया है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है, एक्चुअली स्मॉल ही होता है, थीटा हमेशा स्मॉल ही होता है, थीटा बड़ा नहीं हो सकता। ओके सर। ऑब्जेक्ट को जब तुम देखते हो ना, तो ऑब्जेक्ट जब आईस के साथ एंगल बनाता है ना, एच और डी एच और डी की वैल्यू भी अगर रखते हो तो ये स्मॉल ही आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता। अपन ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा यूज कर सकते हैं, ज्यादा एरर नहीं आती ये अप्रोक्सीमेशन यूज करने से, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आता है, समझे? हाँ सर। ये प्रैक्टिकली अपन हमेशा यूज करते हैं, लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, ये लेबोरेटरी में भी अपन इसी टाइप से कैलकुलेट करते हैं। जब लेंस के कोई भी लेंस बनाते हैं, माइक्रोस्कोप बनाते हैं, तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर वगैरह जो भी कैलकुलेट करते हैं वो अप्रोक्सीमेशन लेके ही करते हैं। जो भी तुम्हारे डेटा गिवन होते हैं वो इस अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे गिवन होते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप के ऊपर उसकी मैग्निफिकेशन पावर लिखी रहती है, ये इतना मैग्निफिकेशन कर सकता है। अच्छा मैं एक टर्म और डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, वैसे अपन आगे पढ़ेंगे बट अभी मैं बता देता हूँ, बार बार समझने की जरूरत नहीं। मैग्निफिकेशन पावर सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन पावर ही होता है, इसको अपन एमपी से लिखा करेंगे, एमपी। मैग्निफिकेशन पावर होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट,
थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा अपॉन थीटा नॉट। अब थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा वो सबटेंडेड एंगल है, थीटा वो सबटेंडेड एंगल है जब अपन माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद जो एंगल आता है, माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद जो एंगल आता है। एंड थीटा नॉट तो कांस्टेंट है, थीटा नॉट तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए, क्लियर विजन के लिए तो थीटा आ रहा है, थीटा नॉट तो कांस्टेंट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 25, तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ सबटेंडेड, एंगल ऑफ सबटेंडेड व्हेन माइक्रोस्कोप इज यूज। और ये लिख लेना तुम खुद से ही, थीटा नॉट क्या है, व्हेन माइक्रोस्कोप इज यूज, माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते हैं तब थीटा नॉट है एंगल ऑफ सबटेंडेड, और जब माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो एंगल ऑफ सबटेंडेड थीटा है। यानी एक्चुअली मैग्निफिकेशन पावर क्या है कि इसके कंपेयर में तुमने थीटा को कितना इंक्रीज कर दिया, जैसे पहले थीटा नॉट कुछ एक्स था और बाद में तुमने डबल कर दिया, बाद में तुमने डबल कर दिया, थीटा डबल कर दिया, तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर डबल हो गई, उसकी मैग्निफिकेशन पावर डबल हो गई, सिंपल सी बात है। तो अपन माइक्रोस्कोपिक का माइक्रोस्कोप का यूज कर यही करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को अपन यहीं पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखेंगे, लेकिन उसका इमेज इस टाइप से बनाएंगे कि एंगल ऑफ सबटेंडेड, एंगल ऑफ सबटेंडेड इमेज बड़ा भी बन जाएगा और एंगल ऑफ सबटेंडेड भी ज्यादा हो जाएगा। कैसे होगा इसको समझेंगे अपन, लेकिन अभी इतना समझ लो कि मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा अपॉन थीटा नॉट। यही बात समझ में आ रही है सर? इसमें कोई डाउट? अरे बोलो। नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है ना यार? नो सर। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप का सेटअप देखते हैं। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का सेटअप और कुछ नहीं होता, इतना समझ लो कि बस एक कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हैं, एक कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे ये कॉनकेव लेंस यूज कर लिया अपन ने ऑब्जेक्ट और आईज के बीच में, ऑब्जेक्ट और आईज के बीच में एक कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हैं और कुछ नहीं होगा। यहां पे किसी की आईज है, इसकी फोकल लेंथ सपोज एफ है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस टाइप से, इस ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज एच है और ये डिस्टेंस डी होती है, और ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ सबटेंडेड बोलते हैं, थीटा। अब यहां पे अगर कोई, यहां पे अगर अब मेरे को इस कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस से मेरे को इमेज बनानी है इस ऑब्जेक्ट की, क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस ना? हाँ कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं बस। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस से मिरर फॉर्मेशन याद है क्या सबको, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन याद है ना सबको? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा आराम से सोच के बताओ मेरे को, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर
फोकल लेंथ सॉरी पोल और फोकस के बीच में हो तो इमेज कैसी बनती है? मैग्निफाइड बनती है और वर्चुअल बनती है, याद है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इमेज बना लेते हैं। देखो एक अगर इस ऑब्जेक्ट से रेज अगर पोल पे इंसिडेंट करूंगा तो पोल वाली रे तो सीधी की सीधी निकल जाएगी, अपने को पता है पोल वाली रे तो सीधी की सीधी निकल जाएगी। उसके बाद मेरे को सोच के बताओ अगर मैं पैरेलल रे इंसिडेंट करूं इस पे, अगर पैरेलल रे इंसिडेंट करूं तो बताओ वो कन्वर्ट होगी या डाइवर्ज? कन्वर्ज। अरे सबको पता है ना, अपने को पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है ना? यस सर। यस सर। तो ये कन्वर्ज हो गई, ये लो कन्वर्ज हो गई। तो आराम से सोच के बताओ। अच्छा अपन ध्यान रखना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अपना, ये ऑब्जेक्ट को मैं ए बी बोल देता हूँ। ए बी इज ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। और इस माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट जो है अपन इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट क्या मतलब लेंस को इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट अपना पोल और फोकस के बीच में हो। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में इसलिए एडजस्ट करते हैं कि अपने को मैग्निफाइड इमेज चाहिए और वर्चुअल इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए। क्योंकि अगर एक्चुअली तुमको सोचो कि अगर वर्चुअल लेंस के अंदर, वर्चुअल का मतलब क्या है, लेंस के अंदर रियल इमेज का मतलब ये रेज एक्चुअली यहाँ पे कहीं भी मिली तो यहाँ पे इमेज बनने का कोई फायदा है क्या? अपन ने आंखें यहाँ रख रखी है? नहीं। अरे रियल इमेज बनेगा तब तो इधर बनेगा ना यार। यस सर। तो रियल इमेज बनाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपने आंखें यहाँ रख रखी है, आंखों के पीछे कोई इमेज बनेगा तो उसको देखोगे क्या? नहीं सर। तो अपने को क्या करना था, आंखों के आगे ही इमेज बनाना था और मैग्निफाइड बनाना था। तो इस ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस अपन क्या करते हैं इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि पोल और फोकस के बीच में आ जाए, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आ जाए। तो तुमको सोचो इस केस में ये रेस आगे कहीं पे मिलेगी क्या? नहीं। और ये तो अपने को पहले से पता है आगे कहीं पे नहीं मिलती है, ये तो पीछे ही मिलेगी, एक्सटेंड करके वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये लो वर्चुअल इमेज बना लिया, एक्सटेंड करके बना लेता हूं। ये ऐसा आपने पास यहाँ पे इमेज बन गया, ये बन गया आपने पास इमेज। अच्छा यहाँ पे सीधा भी बनता है ना, पता याद है सबको? इमेज सीधा बनता है और इरेक्ट या मैग्निफाइड बनता है, मैग्निफाइड बनता है और सीधा बनता है। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज, ये ए डैश और ये बी डैश, ये इमेज बनते हैं। तो अब अपने को है ना, अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आराम से सोचो, अपन ने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से भी पास में लेके आ गए, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपन ने, अपने को पता है कि बिना माइक्रोस्कोप के 25 से पास में लाने पे अपने को इमेज नहीं दिखेगी, 25 से पास में लाने से इमेज नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा अच्छे से। तो मैंने क्या किया, माइक्रोस्कोप यानी ये लेंस लगा के आंखों से इस ऑब्जेक्ट को 25 से यानी बहुत नजदीक लेके आ गया, बहुत नजदीक लेके आ गया, बहुत नजदीक लेके आ गया। तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्या एंगल ऑफ सबटेंडेड बड़ा हो गया? हाँ सर। और दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, अब अपने को ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं लेकिन उसका इमेज क्या बड़ा दिख जाएगा? हाँ सर। तो इमेज अपने को इमेज बड़ा दिखने लग गया, एंगल ऑफ सबटेंडेड भी बड़ा हो गया, तो क्या दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ सर। बस ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, बस एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं
और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी जो है वो लेस देन एफ सेट करते हैं, लेस देन एफ सेट करते हैं। तो अगर लेस देन एफ सेट करोगे तो इमेज बड़ा बन जाएगा, और लेस देन एफ सेट करोगे तो जो एंगल ऑफ सबटेंडेड थीटा है वो भी, तो इस केस में बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्या एच अपॉन डी होगी? अरे बोलो। और तुम्हें अगर याद है तो ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को क्या अपन यू से लिखते थे? अरे बोलो। हाँ सर। तो ये यू हो गया, तो इसको मैं ज्यादा अच्छे से एच अपॉन यू लिख लेता हूँ, एच अपॉन यू लिख लेता हूँ। तो थीटा हो गया आपके पास h अपॉन u, और थीटा नॉट तो पहले से कॉन्स्टेंट है, थीटा नॉट क्या है बताओ, क्या h अपॉन 25 है? हाँ ये हो गया, या फिर इसको 25 को जनरली कभी अगर चेंज भी करें तो मैं कैपिटल d यूज कर लेता हूँ, कैपिटल d का मतलब समझ में आना चाहिए, अगर नहीं गिवन है तो अपने को 25 सेंटीमीटर यूज करना है, और गिवन है तो वही यूज करना है, जनरली 25 ही होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो अपन मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकता हूं, मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा, थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा कितना है, एच अपॉन यू डिवाइड बाय एच अपॉन D, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा D अपॉन U, D अपॉन U, मैग्निफिकेशन ऑफ पावर आ गया अपने पास D अपॉन U। मैग्निफिकेशन पावर आ गया अपने पास D अपॉन U। सो एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट? ये मैग्निफिकेशन पावर का जनरल फॉर्मूला अपने को सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ध्यान रखना है, डी अपॉन यू, डी अपॉन यू, डी अपॉन यू। डी क्या है, क्लियर विजन की, विजन की मिनिमम डिस्टेंस। डी क्या है, क्लियर विजन की मिनिमम डिस्टेंस, और यू तो अपने को पता ही है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। D क्या है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, और यू तो अपने को पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। तो ये थी अपने पास सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में और कुछ नहीं होता, बस सिंपल सी बातें हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अरे बोलो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अब इसके अंदर है ना अपन दो केस देखते हैं, जो फाइनल इमेज है, जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज अपनी है ना, सपोज अपन ने ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक लेके आ गई, बहुत नजदीक लेके आ गई, तो फाइनल इमेज या तो बहुत दूर बनेगा, मतलब इनफाइनाइट भी बन गया, सपोज इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर, और या फिर फाइनल इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन गया, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन यानी 25 सेंटीमीटर पे बन गया, इतना नजदीक लेके आ गई। तो दोनों केस को देख लेते, दोनों केस के अंदर मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, दोनों केस में मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, ये अपन यूज कर सकते हो। तो ये इसको रफ कर दूं क्या मैं, इसको रफ कर दूं ना? हाँ सर ठीक है।
ये दोनों केस अपन टेली का वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखेंगे इंपॉर्टेंट है। केस वन when final image is formed at minimum distance of clear vision yani d pe ban jaye minimum distance of clear vision पे बन जाए तो उस केस में अपनी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी ये अपने को पता करना है। तो सिंपल सी बात है इस केस के अंदर अपने को पता है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन रही है अगर इमेज तो v कितना होगा क्या माइनस t होगा v। अरे रेस ऐसे जा रही है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव यस सर। मिनिमम क्लियर विजन का मतलब d पे बन रही है इमेज तो v आ गया माइनस t और u तो अपने पास डिस्टेंस अगर u है तो उसको माइनस u लोगे साइन के साथ। तो फॉर्मूला लगा देता हूं लेंस के अंदर इसकी फोकल लेंथ सपोज f है तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f तो 1 अपॉन v यानी माइनस 1 अपॉन d माइनस अब डिस्टेंस अगर u है तो साइन के साथ माइनस u लूंगा तो माइनस u इक्वल टू 1 अपॉन f। तो बताओ यहां से अपने पास u कितना आ गया u आ गया अपने पास ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस प्लस 1 अपॉन d तो df d प्लस f df तो क्या df अपॉन df d प्लस f आ गया u यस सर। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए अगर मिनिमम डिस्टेंस से बन रहा है तो u df अपॉन d प्लस f होता है df अपॉन d प्लस f होता है। तो मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकते हो अभी बताया था मैंने मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है बताओ। अरे मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है u और d की फॉर्म में d by u कितना है df अपॉन d प्लस f d से d कैंसिल हो गया ये हो गया d by f plus 1 यानी 1 plus d by f 1 plus d by f 1 plus d by f। तो अगर इमेज अपनी इतना नजदीक लेके आ जाए बहुत नजदीक लेके आ जाए आपको कहीं एकदम नजदीक लेके आ जाए ऑब्जेक्ट को तो इमेज अपना 25 सेंटीमीटर पे यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन जाएगा और उसके अंदर मैग्निफिकेशन 1 प्लस d by f होती है मैग्निफिकेशन 1 प्लस d by f होती है d इज जनरली 25 सेंटीमीटर एंड f इज फोकल लेंथ ऑफ दैट कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन ये ना ये प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं होता प्रैक्टिकली नॉट यूजफुल। तुमको सोचो इतना आंखों को नजदीक लेके आओगी तो दिख तो जाएगा उसका इमेज लेकिन आंखों में बहुत स्ट्रेस दिखेगा स्ट्रेस लगेगी आंखों नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेगी। जैसे अपन पर्दे के पास में जैसे थिएटर वगैरह में फर्स्ट रो में बैठ के देखते हैं तो अपने को दिख तो जाता है लेकिन आंखों में बहुत स्ट्रेस डालना पड़ता है नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहती। ऐसे जैसे अपन पीछे बैठे तो अपने को इजिली दिखता है बिना स्ट्रेस डाले तो वही है प्रैक्टिकली ये यूजफुल नहीं होता आंखों पे स्ट्रेस रहता है तो जनरली अपन ये यूज नहीं करते जनरली ये यूज नहीं करते हैं। अपना तो माइक्रोस्कोपिक बनाने का मतलब जिंदगी आसान होनी चाहिए तो आंखों पे जब स्ट्रेस हो रहा है ऑब्जेक्ट को देख इमेज देखने के लिए तो कोई फायदा नहीं है इमेज देखने का। तो केस टू जो कि प्रैक्टिकल केस है व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिट का मतलब इमेज बहुत दूर बन रही है तो बहुत दूर बन रही है फिर तो अपन नॉर्मल आंखों से एकदम बिना स्ट्रेस डाले आराम से देख सकते हैं।
और बहुत दूर बन रही तो उस केस में बताओ, फिर उस केस में अगर v tends to infinity तो क्या u tends to focus होगा? Yes, अरे बोलो, और v tends to focal focal length होगा तो magnification power कितनी हो जाएगी? Magnification power क्या होती है? d upon u यानी d upon f, d upon f. तो मैग्निफिकेशन पावर में ज्यादा फर्क भी नहीं आता, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आता, और इसमें इजीली देख सकते हो ये. और एक्चुअली है ना, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बोले, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बोले तब भी यही होगा, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन यही होगा जो प्रैक्टिकली यूज करते हो वो यही होता है. देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन था 1 प्लस डी अपॉन एफ, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन है डी अपॉन एफ, यानी यहाँ पे अगर ये 20 टाइम्स मैग्निफाई कर रहा है, 20 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है, तो यहाँ पे 19 टाइम्स करेगा, 19 टाइम्स करेगा, तो मैग्नीफिकेशन के अंदर तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैग्नीफिकेशन के अंदर तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस प्लस 1 का डिफरेंस आ रहा है. ये 20 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है तो ये 19 टाइम्स करेगा, ये 20 टाइम्स कर रहा है तो ये 19 टाइम्स करेगा. लेकिन जिंदगी बहुत आसान हो गई, अपन इजीली बिना आपको कोई स्ट्रेस डाले इस केस में देख सकते हैं. तो प्रैक्टिकली ये केस यूजफुल होता है, प्रैक्टिकली यही केस यूजफुल होता है. अब वापस से बता देता हूं तुम्हारे बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए या न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर अपने को तीन चीजें ध्यान रखनी, तीन चीजें ध्यान रख सकते हैं. अगर फॉर्मूला याद कर लो तो भी कोई बुराई नहीं है. पहली चीज मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर होती है, वो होती है डी अपॉन यू, डी अपॉन यू, डी अपॉन यू. अगर याद रहेगा फिर ये दोनों केसेस के इजीली देख सकते हो. यहाँ पे तो यू होता है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, यहाँ पे यू होता है एफ, तो इस केस के अंदर तो मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, और इसके अंदर हो जाएगा डी बाई एफ. इसमें कोई डाउट हो तो बोलो. सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कोई डाउट हो तो बोलो. एनी डाउट इन सिंपल माइक्रोस्कोप? अरे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कोई डाउट हो तो बोलो. क्लियर है सर? क्लियर है ना सबको? यस सर. ठीक है, सेकंड अपन पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इसको नोट करना तो कर लो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं. इसको ऑफ कर देगा. यस सर. अच्छा सेकंड है अपने पास, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप थी. अच्छा ध्यान रखना, ये आज पढ़ाने के बाद एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग मार लेना, एक एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग मार लेना कि एनसीईआरटी में आपने क्या गिवन है. अब इजीली समझ में आ जाएगा ये समझने के बाद कि माइक्रोस्कोप क्या होता है. सेकंड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अच्छा कंपाउंड का मतलब क्या होता है वैसे? कंपाउंड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों से. क्या कंपाउंड मीनिंग क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों से बना हुआ. अच्छा जैसे, हाँ सही बात है, दो या दो से अधिक चीजों से बन रहा है तो कंपाउंड बोलते हैं. या जैसे अपन वर्ड यूज करते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट. एम आई राइट? यस सर. अरे ऐसा ही तो होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे अपन ने पहली बार इंटरेस्ट लगाया
इंटरेस्ट हो वापस से जो है अपने पास बेसिक अमाउंट था उसमें ऐड करके उस पे और इंटरेस्ट लगा दिया तो उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक और माइक्रोस्कोप घुसा देते हैं यानी मैग्निफिकेशन ज्यादा करने के लिए जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कितने लेंस यूज करते थे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे ना तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब यहां पे दो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर देंगे तो अगर दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो क्या मैग्निफिकेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा अरे बोलो सर। तो यहां पे क्या करते हैं और कुछ नहीं होता कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब मैग्निफिकेशन यहां पे मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है बिकॉज वी यूज टू कॉन्वेक्स लेंस डबल कॉन्वेक्स दो डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दोगे तो उस केस में मैग्निफिकेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आता है जैसे प्लांट सेल हो गया या अपनी सेल हो गई या कोई बहुत छोटा है जैसे अपना जो कोविड का वायरस है कोविड 19 जो वायरस है इस वायरस को अगर देखना है किसी को तो सिंपल तो अपन नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हो क्या No, sir. तो उस वायरस को अगर किसी के हाथ में है उसको देखने के लिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हो बिकॉज साइज ऑफ दीज वायरसेस और बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल मीन्स 10^-5, 7, 8 सेंटीमीटर रेंज की होती है इनफेक्ट मिलीमीटर रेंज की होती है बहुत कम होती है तो इसमें और कुछ नहीं होता सेटअप सिंपल है इसका बस डबल माइक्रो दो बार अपन ने क्या किया कि कॉन्वेक्स लेंस यूज कर ले जैसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस अब यहां पे किसी की आंखें गार्ड रखी है यहां पे किसी ने आंखें लगा रखी तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई यहां पे अपना ऑब्जेक्ट है ये अपना ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज h है इसको मैं a b बोल देता हूं दिस इज ऑब्जेक्ट a b इज ऑब्जेक्ट अच्छा ध्यान रखना अब यहां पे इन लेंस का नाम अलग अलग होता है इस लेंस को तो अपन बोलते हैं इस लेंस को तो अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास में होता है इस लेंस को अपन बोलते हैं आई पीस लेंस क्योंकि ये आईज के नजदीक होता है आंखों के नजदीक जो लेंस होता है उसको आई पीस लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी फोकल लेंथ को एफ ई लिखते हैं इसकी फोकल लेंथ को एफ ओ लिखते हैं समझ गए एफ ई और एफ ओ क्या है अरे ठीक है ना अरे बोलो आवाज आ रही है या नहीं आ रही सबको आवाज आ रही है ना
यस सर ठीक है आप देखो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया अब इस ऑब्जेक्ट को अपन स्टाइल से सेट करते हैं कि ये इसके f और 2f के बीच में होता है f और 2f के बीच में इसको सेट करते हैं तो तुमको सोच के बताओ मेरे को अगर इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में है तो इमेज कहां पे बनेगी f और 2f के बीच पगला गया हो क्या याद है भूल गए हाँ तो इमेज बना लेते हैं देखो तो ये ऐसी रेज रही सीधी की सीधी अब ये कन्वर्ट करेगा तो ये लो इसने पहले ये बना लेते हैं चलो ये पोल पे इंसिडेंट करवाई थी ये सीधी की सीधी चली गई पोल पे इंसिडेंट करवाओगे तो सीधी की सीधी चली गई और ये कन्वर्ट होगी तो ये लो ऐसे कन्वर्ट हो गई तो रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा रियल इमेज बनेगा इन्वर्टेड बनेगा और 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा ये 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा यानी 2f के बाद बनेगा इसको मैं बोल देता हूं a'b' इज व्हाट इमेज फ्रॉम a'b' क्या है इमेज फ्रॉम फर्स्ट या मैं फर्स्ट बोलने की बजाय ऑब्जेक्टिव लेंस बोल देता हूं Image from objective lens, which is real and inverted. Real and inverted. ये बन गई अपने पास इमेज फर्स्ट इमेज बन गई अब इन दोनों लेंस को मैं इस टाइप से एडजस्ट करता हूं कि ये जो इमेज बनी है ये इमेज अच्छा पहले डिस्टेंस भी लिख लेता हूं बताओ ये क्या मेरे पास VO हो जाएगा VO means for objective lens distance of image VO ऐसे कैसे ये डिस्टेंस क्या UO हो जाएगा UO means from for objective lens distance of object अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा UO और VO Yes, sir. अब सेकंड केस के अंदर अपने इमेज बनानी है ये अपना ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये अपना ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है तो इससे रेज इंसिडेंट करवा दो तो इससे एक रे तो मैं क्या करूं कैसे इंसिडेंट करवाऊ एक तो पैरेलल इंसिडेंट करवा देता हूँ ये लो पैरेलल इंसिडेंट करवा दी पैरेलल रेज को ये कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा ये लो कन्वर्ट कर दिया इसने ये लो कन्वर्ट कर दिया और एक रे में यहां से इसके फोकस पे इसके पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूं तो ये तो सीधी की सीधी निकल जाएगी तो ये रेज आगे कभी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी और ये तो अपने को पहले से पता है कि ये a'b' है इसकी डिस्टेंस इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि a'b' is between pole and focus for eyepiece lens के लिए अपन इसकी डिस्टेंस इसके फोकस और पोल के बीच में करते हैं तो इमेज बड़ी बनती है और मैग्निफाइड बनती है अब ये ऑब्जेक्ट के लिए तो अब वापस वही सेटअप करते हैं जो अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए किया था बहुत नजदीक लेके जाते हैं इमेज अपने को वर्चुअल बननी चाहिए यानी इधर बननी चाहिए और बड़ी बननी चाहिए क्योंकि आंखें यहाँ पे है तो पीछे इमेज बनानी नहीं है अपने को तो इधर इमेज बनानी है तो डिस्टेंस तुम्हें
अब पोल और फोकस के बीच में रखनी पड़ेगी, डिस्टेंस लेस देन एफ रखना पड़ेगा और बड़ी इमेज बन जाएगी। अब इसको एक्सटेंड करके बना लेते हैं, तो एक्सटेंड करके बनाओगे तो ये तो सीधी की सीधी जाएगी, तो केडी बना ली क्या अपन, सीधी की सीधी निकल गई, ये लो सीधी की सीधी निकल गई। तो इसको तो पीछे एक्सटेंड करोगे, ये लो एक्सटेंड कर लिया, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये लो एक्सटेंड कर लिया, तो ये अपनी इमेज यहां पे बन जाएगी क्या? अरे ऐसी ही बनेगी ना, हाँ। अरे सीधी बनी है ना इमेज, मैग्निफाइड बन रही है और सीधी बन रही है, इसको ये उल्टी तो नहीं लग रही, अरे इमेज उल्टी लग रही क्या? अरे बोलो उल्टी नहीं है, उल्टी क्यों नहीं है? क्योंकि इस लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट था, इस लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट था, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे तो इमेज बन रहा है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और ये तो अपने को पहले से पता है ना यार कि कॉन्वेक्स के लिए अगर पोल और फोकस के बीच में हो तो सीधी इमेज बनती है और मैग्निफाइड बनती है और वर्चुअल बनती है, तो ये वर्चुअल हो गई। इसको मैं ए डबल डैश और बी डबल डैश बोल देता हूं। तो आप देखो आराम से सोच के बताओ कि इस लेंथ को क्या बोलूंगा मैं, क्या यू ई बोलूंगा इस लेंथ को? हाँ, यू ई का मतलब है कि आईपीस वाली लेंस के लिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आईपीस वाली लेंथ के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना लेंथ हो गई। आराम से सोच के बताओ ये लेंथ क्या है, ये लेंथ VE, क्या ये VE होगा? यस सर। अब है ना एक चीज यहां पे और यूज, ये सेटअप कंप्लीट हो गया, सब कुछ बन गया आराम से, ऐसे सेटअप होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो बोर्ड में अगर आए तो अपने ये सब बनाना पड़ेगा। अब एक्चुअली है ना एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर तुम्हें VO और UE ये सब गिवन नहीं होता है, तो एक्चुअली इनके लिए अलग अपन वर्ड यूज करते हैं। अपना माइक्रोस्कोप दिखने में ऐसा दिखता है, देखो ऐसा दिखता है, अरे ऐसे ही तो होगा, ये आगे वाला लेंस हो गया, ये पीछे वाला लेंस हो गया, ऐसे ही तो होगा। यस सर। तो ये जो इन दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस है इसको अपन एल लिखते हैं, लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं इसको एल बोलते हैं, एल को अपन ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं, ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये एल है, यहां पर जगह नहीं है मेरे। तो आराम से तुम खुद सोच के बताओ कि एल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये एल है, एल की वैल्यू किसके इक्वल होगी? क्या VO प्लस UE के इक्वल होगी? हाँ सर। क्या VO अपॉन यू VO प्लस UE के इक्वल होगी L की लेंथ? L यस सर। अब है ना, अब देखो मेरे को इसके अंदर थीटा बता दो जल्दी से, टेन थीटा क्या होगा? अच्छा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है या थीटा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है फाइनली ऑब्जेक्ट इस लेंस पे कितना एंगल इंसिडेंट करेगा, तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये फर्स्ट वाला इमेज एच डैश, इसकी हाइट सपोज एच डैश है, एच डैश इस पे एंगल अगर थीटा इंसिडेंट कर रहा है तो बताओ यहां से अपने पास टेन थीटा या थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्या एच डैश अपॉन
क्या क्या हो गई, यू ई हो गई, अरे एच डैश अपॉन यू ई हो गए ना। हाँ सर, सर लेकिन साइन तो एयर डैश वो देख वापस से वापस क्या बोल रहे हो सर, फाइनली इमेज तो लंबी वाली देख रहे हैं ना, फाइनल इमेज का थोड़ी लिखते हैं थीटा, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप देखो थीटा को लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस पे कितना एंगल इंसिडेंट कर रहा है, तो सेकंड वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना। हाँ सर, हाँ सर ठीक है, समझ गए। हाँ सर, तो ये हो गया एच डैश अपॉन यू, इसको नोट करो, यहां पे मेरे जगह नहीं है, फिर अपन मैग्निफिकेशन वगैरह की बातें करते हैं आराम से। अब देखो ना इस डायग्राम को थोड़ा सा याद रखना कैसे बनाया है, बहुत सिंपल सी बात है, दो लेंस बनाया है और दो लेंस में पहले का इमेज बना लिया, फिर दूसरे का इमेज बना लिया, और पहले के लिए जो सारी डिस्टेंस है वो O की फॉर्म में यूज करते हैं, F O V O U O, सेकंड के लिए E की फॉर्म में यूज करते हैं F E U E V E, और जो लेंथ है वो V O plus U E होती है। ये डिस्टेंस थोड़ी सी ध्यान रखना, अभी अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं, जल्दी से ये नोट कर लो, फिर अपन मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी से सॉल्व कर लो सब लोग, सॉल्व किया नोट कर लो। अरे नोट हो गया क्या? हाँ सर, रफ कर दूं क्या? अरे रफ कर दूं ना। यस सर, तो अब इसके लिए निकालते हैं अपन मैग्निफिकेशन पावर MP। मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? थीटा अपॉन थीटा नॉट, तो थीटा अभी अपन निकाला था कितना आया था, एच डैश अपॉन कितना था बताओ, यू ई। अरे बोलो। यस सर, थीटा नॉट कितना होगा, थीटा नॉट तो वही है एच अपॉन डी, थीटा नॉट तो कॉन्स्टेंट है एच अपॉन डी, एच अपॉन डी, डी क्या है 25, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एच डैश अपॉन एच इनटू डी अपॉन यूई। अच्छा आराम से सोच के बताओ एच डैश अपॉन एच क्या है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। यस सर, ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं वी ओ अपॉन यू ओ, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी अपॉन यू, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन है तो VO अपॉन UO, ये भी तो लिख सकता हूं। हां सर, तो मैग्निफिकेशन पावर आ गया अपने पास VO अपॉन UO इनटू D अपॉन UE, ये तो आ गया अपने पास जनरल फॉर्मूला। कंपाउंड, कंपाउंड जैसे वहां पे जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो जनरल फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, जनरल फॉर्मूला
सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था एच अपॉन डी अपॉन यू, राइट? जनरल फॉर्मूला डी अपॉन यू था ना यार? हाँ सर। अब यहाँ पे कंपाउंड के अंदर डी अपॉन यू ई को मल्टीप्लाई कर दो वी नॉट अपॉन यू नॉट सी, वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो अगर ढंग से देखो ना तो बस वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है डी अपॉन यू वाला ही, डी अपॉन यू वाला ही, यू ई लेंगे ना क्योंकि आई के पास में तो वो लेंस है, डी अपॉन यू ई वही फॉर्मूला है। बस अपन ने क्या किया कि जो पहले लेंस लगा रखा था उसके मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, am I right? Yes, sir. बोलो। तो पहले वाले लेंस का मैग्निफिकेशन पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी टोटल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अपने जो माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो गया, वी नॉट इनटू यू नॉट हो गया, पहले वाले का मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर तुम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो से ज्यादा भी अगर लेंस यूज करोगे कॉन्वेक्स लेंस, तो बताओ उनका मैग्निफिकेशन पावर का जनरल फॉर्मूला आप तो डायरेक्टली लिख सकते हो ना? हाँ सर। कैसे? अगर दो से ज्यादा यूज करोगी, दो से ज्यादा यूज करोगी तो सबके मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और लास्ट में ये आ जाएगा। हाँ सर। तो जितने ज्यादा लेंस यूज करोगे उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा, बट जनरली प्रैक्टिकली अपन दो ही लेंस यूज करते हैं। अब वापस से ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, वापस से वो दोनों केस देखते रहे, केस वन देख लेते हैं, केस टू देख लेते हैं। केस वन क्या था बताओ? केस वन तो था कि वेन फाइनल इमेज is formed at minimum distance of clear vision। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे अगर इमेज बने, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज बने, तो आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरे को वापस से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पे यू सॉल्व करते थे जैसे कैसे यू ई हो जाएगा, वहां पे यू कितना आया था बताओ? डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। हाँ सर। तो यहाँ पे बताओ डी एफ अपॉन डी प्लस एफ तो आएगा, लेकिन एफ कौन सा होगा? एफ ई। अरे सेकंड वाले लेंस के लिए तो आई के जो पास में होगा उसी का तो काम होगा। Yes, sir. तो आप जल्दी से इस जनरल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो, एमपी मैग्निफिकेशन पावर, ये हो गया वी ओ अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई यू वी की जगह डी एफ अपॉन डी प्लस एफ पुट करोगे तो डी से डी कैंसिल हो गया, कितना आ गया? वन प्लस डी बाई एफ हो गया। अरे वापस से वही उसी टाइप से तो आएंगे फॉर्मूले यार, बस इसका मल्टीप्लाई करते जाओ वी नॉट अपॉन यू नॉट का। अरे बोलो। यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। किसी को दिक्कत नहीं है ना? जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर. हो गया. ऐसे कैसे सेकंड केस जो कि प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल है, इसको भी देख सकते हो यहीं पे शॉर्ट में. केस टू, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इनफिनिट. व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इनफिनिट प्रैक्टिकली ये यूजफुल होता है. तो इस केस में बताओ यू ई कितना हो जाएगा, क्या एफ ई के इक्वल हो जाएगा? यू ई कितना होगा बताओ, एफ ई के इक्वल हो जाएगा? जैसे वहां पे यू एफ के इक्वल होता था. अरे बोलो. यस सर. तो मैग्निफिकेशन पावर कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई. वही सेम फॉर्मूले, पहले आते थे डी बाई वन प्लस डी बाई एफ और एक आता था डी बाई एफ. यहां पे आएगा वन प्लस डी बाई एफ और डी बाई एफ ई. वन प्लस डी बाई एफ ई और वन डी बाई एफ ई, बस मल्टीप्लाई कर दो वी वी नॉट अपॉन यू नॉट का, वी ओ अपॉन यू ओ का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ. कैलकुलेशन के लिए ये सब जगह यही यूज करना है. ये नॉर्मल कॉन्फिगरेशन है, कुछ भी नहीं बोला जाए तो फिर अपने को यही यूज करना है. समझ गए? अरे बोलो. Yes. कोई दिक्कत है क्या? अरे ठीक है ना. हाँ सर. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर. नो सर. ठीक है. इसको मैं एरफ करता हूँ, इसको एरफ कर दो ना. हाँ सर. अब मैक्सिमम लोग तुमसे सीबीएसई बोर्ड रही है ना, या महाराष्ट्र बोर्ड के भी है? महाराष्ट्र. मैक्सिमम महाराष्ट्र बोर्ड के हैं. हाँ सर. अच्छा सर. तो अगर महाराष्ट्र बोर्ड में क्वेश्चन आता है या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बस यहीं तक करना है. और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो चाहे कहीं पे भी आए, दुनिया में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहीं पे भी आए, यहीं तक सॉल्व करना है. बस अगर सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसका डेरिवेशन आए, सीबीएसई बोर्ड के अंदर डेरिवेशन आए तो लास्ट में थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में एक बड़ा ही फर्जी सा फर्जी अप्रोक्सीमेशन ले रखा है. तो फर्जी अप्रोक्सीमेशन लोगे तो एक फर्जी सा फॉर्मूला आता है. वो फर्जी सा फॉर्मूला अपन एक बार मैं बता देता हूं, तुम नहीं तो एनसीईआरटी देख के तुम कंफ्यूज हो जाओगे. बाकी ये फॉर्मूला आपने वो कहीं पे यूज नहीं करना है, ना तो एग्जाम में यूज करना है कैलकुलेशन के लिए, ना बोर्ड में कैलकुलेशन के लिए यूज करना है. लेकिन बोर्ड में जैसे सीबीएसई वालों के लिए बोर्ड में अगर डेरिवेशन आता है तो लास्ट में थोड़ा सा ये भी बता देना है. समझे बात? यस. फर्जी अप्रोक्सीमेशन कैसे है अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा. तुम्हें देखो उन्होंने ये बोला, अच्छा मेरे को बताओ एल क्या था, ट्यूब लेंथ, अपन ने ट्यूब लेंथ को अपन ने यूवी की फॉर्म में क्या लिखा था? यही था क्या? यस सर. अरे ट्यूब लेंथ एल. यस सर. तो ये लोग इन्होंने ये बोला कि भाई तुम सेकेंड टाइम जहां पे फर्स्ट टाइम जहां पे इमेज बन रही है, मतलब वी ओ जो है जैसे ऐसे लेंस थे, यहां पे ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज फर्स्ट टाइम जैसे यहां पे बना, इसका इमेज यहां पे बना. तो सेकेंड टाइम मैंने बताया था ये लेंथ जो है अपन इस सेकेंड टाइम इस
इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि ये फोकस ऑफ पोल के बीच में हो, फोकस ऑफ पोल के बीच में हो, यानी इस लेंस के बहुत नजदीक यूज करते हैं, am I right? Yes, sir. इस लेंस के बहुत नजदीक यूज करते हैं, बहुत नजदीक यूज करते हैं. तो पब्लिक ने बोला कि अच्छा बहुत नजदीक यूज करना है, मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब यू ई बहुत कम है, तो यू ई को ऑलमोस्ट इससे कंपेयर में नेग्लिजिबल मान लिया, तो एल को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बी ओ मान लिया, एल को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बी ओ मान लिया. पहले अप्रोक्सीमेशन तो ये थी, समझ में आई क्या? ये अप्रोक्सीमेशन कैसे ली, समझ में आई क्या? हाँ सर. सर ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन अपने पास है कि जैसे अपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को यू नॉट जो है, यूओ, यूओ फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट अपन कहां पे रखते थे बताओ, फर्स्ट वाले लेंस के लिए, यहां पे ये क्या एफ और टू एफ के बीच में रखते थे, अरे बोलो, अरे ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच में रखते थे ना? हाँ सर. सर अभी तो इमेज 2F और इनफाइनाइट के बीच में बनती थी, तो इन्होंने बोला कि एक्चुअली F और 2F के बीच में रखते हो ना, तो ये F से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं अपन, ज्यादा दूर नहीं रखते, F से थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं, यानी U यू नॉट जो होता है वो F से थोड़ा सा प्लस होता है, फोकल लेंथ F और 2F के बीच में रखते हैं लेकिन फोकस से बहुत नजदीक रखते हैं, यानी F के बहुत पास में रखते हैं, तो F के अगर बहुत पास में हो तो फिर U नॉट, U नॉट ऑलमोस्ट F O के इक्वल हो जाएगा, U नॉट ऑलमोस्ट इक्वल टू F O हो जाएगा. क्या ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आई, कैसे लिया? Yes, sir. बस अब ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो तो कंपाउंड इसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर जो आएगा दोनों केस के अंदर, बताओ पहले केस में मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या था, केस वन के अंदर मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या था, केस वन के अंदर वन प्लस डी बाय एफ, क्या वी नॉट अपॉन यू नॉट, वी नॉट अपॉन यू नॉट इनटू वन प्लस डी बाय एफ किया था ना, और सेकंड केस के अंदर v नॉट अपॉन u नॉट इनटू d अपॉन f की आता था, अरे बोलो. हाँ सर यही आते थे ना यार, अरे बोलो. यस सर. यस सर तो मैं क्या करूं, v नॉट की जगह क्या पुट कर लो, सॉरी u नॉट की जगह क्या पुट कर लो, f, ये लो F, F O, और V नॉट की जगह क्या पुट कर लो, L, तो ये लो L, बस तो फॉर्मूला ये बन जाएगी, यानी L L अपॉन F नॉट का मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, U नॉट और V नॉट की वैल्यू अगर ऐसी आ गई, समझ में आया अप्रोक्सीमेशन? यस सर. कोई डाउट किसी को? नो सर. क्लियर सबको? अरे ठीक है ना. यस सर. यस सर. तो ये अपना कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया, इसके अंदर कोई डाउट हो तो बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कोई डाउट हो तो बताओ. एक बार वापस से एनसीईआरटी रिवाइज करना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, एक आध क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे,
और एक लास्ट में 10-15 मिनट का टॉपिक अभी बच गया है, अभी टाइम हो गया है, वो है अपना टेलीस्कोप, छोटा सा टॉपिक है वो, टेलीस्कोप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन, ठीक है सर? हाँ सर, वो आप रिलेटिव वेलोसिटीज वाले कुछ क्वेश्चन करवाने वाले थे। एक सेकंड है ना, मैं तुम्हें आज तुम्हारे ग्रुप पे जेपीबी बैच में कल एक लेक्चर हुआ था जिसमें थोड़ा सा सिलेबस, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जेपीबी के अंदर कल एक लेक्चर हुआ था, उसमें सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, और उसके अंदर कल है ना ये वही पार्ट पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस वाला, तो उसके अंदर है ना कल मैंने क्लास के अंदर 2-3 क्वेश्चन वो वेलोसिटी वाले करवाए थे, रिलेटिव वेलोसिटी वाले। तो मैं तुम्हें वीडियो कहां से कहां देखना है उसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं तुम्हारे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और उसका वीडियो कहां से कितने मिनट तक देखना है मैं वो भी डाल दूंगा, और वो देख के सब लोग क्लास नोट्स के अंदर भी वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? यस सर, ओके सर। और समझ में नहीं आए तो फिर मेरे को बता देना, आई थिंक समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा है, ठीक है? अरे चलेगा ना यार? यस सर, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट, कल भी अपनी क्लास है ना? यस सर। तो कल अपन क्लास टाइमिंग में, ऑप्टिक्स अपनी अब कंप्लीट हो गई, कुछ भी नहीं बचा, बस टेलीस्कोप बचा है, वो तो 10-15 मिनट का है, वो भी एडवांस में नहीं है, तो कल अपने ऑप्टिक्स का पूरे का फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट कल अपन एक टेस्ट लेंगे ऑप्टिक्स का, ठीक है? ओके सर। तो सब लोग अच्छे से तैयार रहना, ऑप्टिक्स का पूरे का टेस्ट लेने वाले हैं अपन, ओके? यस सर।